अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर ट्रायंगल लव स्टोरी की कहानियां तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन नालंदा से जो खबर आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। बुजुर्गों की रामलीला में किसी की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। चाय का चस्का पड़ गया भारी, चाय वाली के प्यार में चली गई जान, डेंजरस इश्क में पढ़े थे चार दुश्मन, चाय वाली तो जान ले गई। एक चाय वाली जिसके चार यार चाय की चुस्की के बहाने जहां इन चारों की मस्ती की सेज सस्ती थी, उसमें किसी पांचवें ने दस्तक दे दी। मोहब्बत का बटना यहां चारों को रास ना आया तो उतार दिया पांचवें को मौत के घाट। डेंजरस इश्क की इस कहानी का ऐसा खौफनाक अंजाम होगा कि किसी ने सोचा ना था, किसी ने सोचा ना था कि मर्डर के पीछे इतनी बड़ी साजिश सी भी है। घटना में शामिल जो पांच जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक विधवा है पीनो देवी। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए हैं उस अवैध संबंध को लेकर, ये अभियुक्तों के द्वारा जो मृतक हैं उनको धक्का देकर और ईंटा इत्यादि से मारकर उस पानी की टंकी में फेंक देने से उसकी हत्या की पुष्टि हुई है। मोहब्बत विधवा चाय वाली से चारों बुजुर्गों को थी, चाय की चुस्की में चारों की रासलीला घुलती थी, लेकिन इस मोहब्बत में पांचवें बुजुर्ग की एंट्री हो गई। कई बार महिला को समझाया लेकिन चारों बुजुर्गों की जिद पर पांचवें बुजुर्ग की मोहब्बत भारी पड़ रही थी। दरअसल 19 अक्टूबर को अस्थावा में एक बुजुर्ग का शव मिला था, टंकी में 75 साल के एक बुजुर्ग का शव मिला था। बुजुर्ग के बेटे ने 21 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया था। मर्डर के पीछे अवैध संबंध का खुलासा हुआ, प्लानिंग के तहत बुजुर्ग का मर्डर हो गया। महिला के पास से मृतक का मोबाइल बरामद हुआ, महिला के साथ चार सन की आशिक अरेस्ट हुए। मृतक का भी था और अन्य जो अभियुक्त हैं ये भी काफी एज है इन लोगों का, तीन अभियुक्त लगभग काफी एज ये है इन लोगों का भी इस विधवा से अवैध संबंध की बातें अभी तक प्रकाश में आई है। जो निचोड़ ये है कि इसी अवैध संबंध के कारण उसकी हत्या की गई है। कहानी इतनी भर नहीं है, ये कहानी है चार बुजुर्गों की रासलीला की, जिसे पसंद नहीं था वो पांचवां बुजुर्ग जिसके साथ चाय वाली हम बिस्तर होती थी। 75 साल के कृष्णनंदन प्रसाद, 60 साल के सूर्यमणि कुमार, 63 साल के वासुदेव पासवान और 62 साल के लोहा सिंह, ये बुजुर्ग सन की आशिक थे। साजिश रची इस विधवा चाय वाली के साथ मिलकर, वो चाय वाली जो पांचवें आशिक से धीरे धीरे पीछा छुड़ाना चाहती थी। वजह, फरमाइशों को अब पांचवा आशिक पूरा नहीं करता था तो साजिश के तहत उसे घर बुलाया और मर्डर कर लाश को पॉलिटेक्निक कॉलेज के नवनिर्मित मकान के शौचालय की टंकी में फेंक दिया। लेकिन एक महीने की तहकीकात के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। नालंदा से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार, झारखंड।